हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक माय चैनल अश्वनी। गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरे नमस्ते। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं माता रानी से प्रे करूंगी कि आप लोग हमेशा अच्छे रहो। तो अभी हमारे घर में मॉर्निंग मॉर्निंग सभी लोग बिजी है क्योंकि हमारे बरेली वाले जो मामा मामी थे और मतलब राहुल गुड्डू भैया सभी लोग आए थे शादी में, तो अभी यही है। तो आज उन लोगों का ट्रेन है और जब वो आए ना तो उनके रहते हुए मैं एक भी ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं था इस बार मतलब आके वो सही से एक जगह रुक ही नहीं पाए क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए वो आए थे और शादी था, फिर एक मतलब श्राद्ध था, तो वहाँ पे दोनों जगह उनको जाना था और जब दूर से आते कोई भी तो उनको बहुत सारे फैमिली से मिलना होता है, तो इसीलिए परफेक्टली टाइम वो इस बार यहाँ नहीं दे पाए। तो वो नेक्स्ट बार कब आते देखिए, वैसे तो वो बोल रहे हैं कि आएंगे नेक्स्ट बार लेकिन कब आएंगे ये नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए, अभी अभी भी घर में नहीं है क्योंकि अभी भी गुड्डू भी मार्केट गए हैं और मामा मामी लोग भी मार्केट गए हैं क्योंकि कुछ सामान लेना था उनको यहाँ से, मार्केटिंग करना था, तो इसलिए। तो जब वो आएंगे फिर जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी फिर खाना खाएंगे नहीं खाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। और फाइनली कल ही वो शादी से आए थे तो कल भी हड़बड़ में ही आए थे और फिर थोड़ा सा कल भी मार्केटिंग करना था तो कल भी मार्केट में ही टाइम निकल गया। तो चलिए आएंगे फिर मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो मामा मामी लोग सभी आ चुके हैं और मतलब जल्दी से वो खाना खा रहे हैं और खाना खा के सारे सामान वहाँ पे निकाल दिए हैं क्योंकि खाना खाएंगे और वो लोग निकलेंगे। तो वो देखिए, ओ खाना खा भी लिए, तो चलिए वो लोग निकल रहे हैं तो हम देखिए क्योंकि लास्ट टाइम ही आज लास्ट डे और लास्ट टाइम मतलब अभी भी वीडियो बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार जब आएंगे तो फिर आप लोगों के भी उनका स्टार्टिंग से शेयर करेंगे क्योंकि इस बार उनके पास टाइम बहुत कम था और मैं भी मतलब नहीं कर पाई वीडियो शूट क्योंकि मतलब अस्थिर से होता है ना रहना, वो रह ही नहीं पाए इस बार। तो चलिए देखते हैं। खुश रहो खुश रहो। डायरेक्ट मामी लोग का छोड़ दो, रिटर्न है ना मामी। दे दो दादी को, झाल मुरी खेबे ना, दे दो जल्दी तो बड़ा हो जा पोती हमर। है मेरे पास और ले लो कैसे दो अच्छे से रख लो, अच्छे से इसमें रख ये वो रखो बढ़िया से। हम रख दे बेटू, हम अच्छा तुम खुद से रख लो, खुद से रख लो, रखो तो
सभी चले गए हैं, हमारे घर खाली खाली हो गए हैं। और अभी बाबू देख ही रहे थे, क्योंकि बुलबुल को जब पैसा मिला तो मतलब बाबू बुलबुल को बोलती है कि हमको दो। तो फिर अभी और उनको पैसा जब मिला है तो वो अपने पॉकेट में डाल रही है। और देखिए मोनी क्या कर रही है। मोनी अभी अपना गोदरेज सेट रही है, क्योंकि उनको सारा कपड़ा बहुत बिखरा बिखरा था, तो अभी वो अपना अलमीरा सेट रही है। तो देखिए सारे कपड़े पूरे एकदम फुल हो गए थे और सारे कपड़े भी इधर उधर हो गए थे, तो अभी ये सेट रही है। पता नहीं इनमें सबसे ज्यादा कपड़ा किसका है। इतने सारे कपड़े। और जब पहने ढूंढो तो कपड़े ही नहीं है क्या? तुमको भी टेंशन नहीं है? बुलबुल को टेंशन होता है बहुत कपड़ों का। क्यों बुलबुल? अभी कोई मार्केट से आ जाए और बुलबुल का कपड़ा ना आए तो बुलबुल को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। न लेगी तब तुम कपड़ा? नहीं लेना अभी से बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखिए कितना टाइम लगता है सारे कपड़े को समेटने में। ये साड़ी तो पप्पी दी की लग रही है। कौन? ये ग्रीन वाली छोड़ के गई है। तो ये साड़ी छोड़ के गई है तुम्हारे लिए? अभी से सहता जा रहा है ना। अच्छी बात है, एकदम सही बात है। तो देख लीजिए अभी से दीदी इसको साड़ी दे रही है। साड़ी लेने वाले हैं। हाँ बोलिए, एक एक करके अभी जमाते जाओ, उसके बाद फिर उस टाइम फिर हमको देना। हाँ चली जाना, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको लगने वाला है काफी टाइम कपड़े सेटने में। तो देखिए ये ड्रेस मोनी ली थी हमारी मेहंदी में, सरारा ना। और भी यहाँ ड्रेस नहीं है, और भी ड्रेस उधर ट्रंक में रखा हुआ है भर भर के। ये तो सिर्फ ऐसे जींस वगैरह है। हाँ लहंगा सब इसमें नहीं है। ये बुलबुल का शरारा। ये सारे कपड़े, फोन देखो किसका है। सभी को सेल लगा देते हैं। ये किसका है? ओ ये तो मेरा है। किसका है? बोलो, दे बोलो। कौन है? भाभी का भी फोन आ गया था कि किसका है? सॉरी, एक कपड़ा मेरा यहाँ पे निकला नहीं, कि इतने सारे ताने मुझे सुनने पड़े। रख दो, तो लहंगा भी निकाल दो। ये मेरे मेहंदी का लहंगा देखिए, हम उसको पहने थे मेहंदी में। और छोड़ दो, तो नहीं तुम रखने वाली थी ना, उधर रख देती। तो रहने दो, रहने दो, छोड़ दो तब। साड़ी वगैरह सब उसी में डाल देते। वो एक भाभी का साड़ी है। अब वो दे तो इतने सारे कपड़े को अभी हम झाड़े सेल लगा देंगे। हाँ। क्योंकि बहुत सारे कपड़े और इसको बहुत टेंशन होती है रखने में भी। अच्छा। और पहनने में भी, तो ये टेंशन हम इसका कम कर देते हैं। थैंक यू सो मच, मैं टेंशन कम मत करूं। क्या बोलबो, चलो उठाओ तो सारे, चलो बोलो सेल लगा देते। सेल सेल सेल, चलिए आप लोगों को ये सेल जो हमारे यहाँ चल रहे हैं आज स्पेशल, आज के लिए ऑफर है। अगर सेल में कोई ड्रेस पसंद आए तो प्लीज आप लोग ले लीजिए, वो भी मुफ्त में लेके चले जाइए। तो चलिए, इसको तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर जितनी ज़्यादा हो उसके प्लीज़ उतनी कीजिएगा। और आप में से जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तभी सेल में ये कपड़े मिलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।